हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलाल राजा। आज फिर आपकी खिदमत पे एक नया व्लॉग लेके हम लोग हाजिर हैं। अभी मैं आया हूँ DHA अपने शाही डब्बे पे। शाही डब्बा पता नहीं, शाही डब्बा भी धुंधला आ रहा है। मारे को हॉस्पिटल ले गया ना, था उधर आए हुए हैं, उसके दांत का कोई मसला है, वो चेक करवाते हैं। और अभी मैं व्लॉग शुरू करने लगा हूँ क्योंकि आज जाना था हीना ने, उसकी पैकिंग वगैरह पे वो मैं गया, वो घर नहीं थी, उसकी पैकिंग वगैरह करनी थी, वो उसको क्या वेट वगैरह करवा के वो दिया, वो लोग एयरपोर्ट चले गए, हम लोग इधर हॉस्पिटल आ गए हैं। बाकी अभी आज कुछ करने को खास नहीं है, घर चलते हैं, असलान से मिलते हैं। और सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ आज, असद वाला डायलॉग मैं भी मारने लगा हूँ भाई जान, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ आज, मेरा भी वही हिसाब है। और आज मैं पता नहीं किस तरह घूम रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आ रहे हैं चक्कर भूख से। अभी मारी आए तो घर जाके कुछ खाएं और फिर आपसे मिलते हैं आज दोनों अम्मियों को, दोनों अम्मियाँ, हमारे बड़े पीर छोटे पीर दोनों आज एक साथ बैठेंगे, तो आपकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं और आपको अपना ब्लॉग दिखाते हैं जी। तो अभी मारिए को छोड़ दिया क्लिनिक, अभी हम चलते हैं घर। घर जाके अब तो भूख से मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, और रास्ते में रश इतना था, आधा घंटा लग गया मुझे घर पहुँचते पहुँचते, अभी भी घर पहुँचते पहुँचते 5 मिनट लगेंगे, अभी तो क्लिनिक उतारा ही है मारिया को। जाके करते हैं कुछ खाते हैं, क्योंकि अगर अब मैंने कुछ ना खाया तो फिर मैं डिग जाना है, मेरा ब्लड BP लो हो जाना है। तो जी हीना चली गई है, बस मिस करेंगे अब हीना को हम, लेकिन उसने फिर आ जाना है इंशाल्लाह, कह रही थी जल्दी आना है वापस, वो फिर कोई ना कोई बहाना बना के आ ही जाएगी। उसने इधर करना था कोर्स, वो उसका पूरा हो गया, क्रिकेट के लिए वो फिर आ जाएगी, उसको क्रिकेट की लालच देंगे ना, तेरा इधर रोल है, सिलेक्शन हो रही है, देखना उसने फिर आ जाना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अब बाद में। जी तो फाइनली घर पहुंच आए हैं, अब चलें ऊपर कुछ खाएं और अय्याशी करें। जो अब हो रहा है हमारा खाना गरम, खाना खा ले और फिर खाना खा के अब कुछ करते हैं, क्योंकि अभी अपन गिरेगा, बेहोश होने वाला हुआ हुआ है। हैं इतनी सेवा मेरी, वो भी पहली दफा, वाह वाह वाह, बंदा मुझे 1 मिनट की छुट्टी नहीं देता, अभी इधर घूम रहा है। 1 मिनट की छुट्टी पूरे दिन में, अभी तू काम करने लगा। ओ बस कर दे, मैं किधर गया हुआ था, काम करके गया था, ये सारे पैक करके गया था मैं, ये बाकी प्रिंट तो तूने नहीं टाइम पे किए। अभी मेरा खाना आया, मैं वो खाऊंगा फिर इसका काम करूंगा। अब कोई जाके मिलते हैं आंटी से, और ये देखे ये शक्ल मुझे थी मिल गई है, पहली जगह मनहूस शक्ल मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बड़े पीठ साहब आज बड़े दिनों बाद मिले हैं। दवाई ले लो मेरा बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। आप किधर से? बाली पुत्र। मैं इधर ही था। बाली पुत्र किधर गया था, नजर ही नहीं आया इतने दिनों से। बस थक गए, कैसा रहा सफर आपका? सफर तो बस अभी तक आंखें देख रही है मेरी, अभी तक गला खराब। कैसा मसला की सही सब में बांटा? बांट तो सारों में सही दिया, लेकिन उधर बहुत जलालत थी, लड़ाई बहुत थी, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अच्छा वो मैं देख रही थी जिन लोगों को बांट रहे थे, उन बच्चों के हाथों में माशाल्लाह पैसे भी थे, उनको पैसे भी थे, सब कुछ था उधर। इधर हमारे मामू से पूछ लो, वो क्या कह रहे थे, 600 रुपए में उधर आटे का, तो 300 रुपए में आटे को तोड़ा दे रहे थे वापस। हाँ बेच रहे थे लोगों को वो, उन्होंने बाहर कहते जो गरीब बंदे उन तक पहुँचने ही नहीं देते वो लोग। पानी है ना वो जो आगे माफिया बैठा हुआ है सारा, जितने भी है ना, आप लोगों ने अपना फर्ज अदा किया, हम लोगों ने जिन जिन को भी पहुंचे अल्लाह ताला, वो भी गरीब ही थे जिन्होंने आपको दिया है, वो भी गरीब ही थे। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा अजलान रो रो है, ये देखो, इधर देखो, ये क्यों रो रहा है? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आज फिर हम आप उठ गए हैं, कल व्लॉग नहीं डाल सका था, मैंने कहा चलो छोटा बना था, काम चला गया था, मैं थोड़ा ज़रूरी काम थे वो किए थे, आज भी काम ही करने जा रहा हूँ। अभी मारिया के साथ उनको लेके जाना है, उनको किसी जगह पे छोड़ना है, उनको काम है, एक दो मुझे काम है, वो काम करते हैं, फिर आगे देखते हैं आज क्या करना है, क्योंकि आज संडे है, संडे वाले दिन मैं अपने दोस्तों को मिलता हूँ जितने भी हैं, आज उनके साथ भी मिलेंगे, बाकी आगे देखते हैं। अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल फट गई हुई है, गला बिल्कुल ख़राब है मेरा, वो भी दवाई लेनी है, अभी डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ,
वो भी लेते हैं। ओए होए गले ने तो तबाही डाली हुई है ना मेरे गले ने, बिल्कुल आवाज़ फट गई है, गला खांस खांस के सारी रात सोया नहीं हूँ मैं। अभी मेरी आंखें आप देख रहे होंगे फुल स्वेल हैं। इंशाल्लाह दुआ करें कि ये गला ठीक हो जाए, फिर देखते हैं। जी तो हो गया जी मैडम का दांतों का, इसका आज तीसरा चक्कर है, इसके दांत नहीं सही हो रहे। क्या आपका मसला है दांतों को? मेजर मसला है। ये सबसे बड़ा मसला ही ये होता है, बस अल्लाह इसके दांत सही कर दे। अभी मुझे इतनी नींद आ रही है ना, इसके लिए उठ के आया, कोई और होता मैं सुता रहना सी, मैं तो नहीं सी आना। और अभी जाके घर में फिर सोने लगा, कोई मुझे 7 बजे तक बुलाए ना। तूने भी सोना ही है ना? हाँ जाके सोवो बेटा, सुबह सुबह उठ के आके ले आई इधर दांतों का मसला। और आगे जाके मिलते हैं ते साड़ी गड्डी दा पेट्रोल फिर खत्म हो गया है। मारिया मारिया तू मनूस है, कसम से तू मनूस है। जब भी ये बंदी बैठती है ना गड्डी च पेट्रोल ही नहीं होता, क्या मसला है मारिया? क्या पेट्रोल पंप के साथ आपका कोई? तो मैं मुझे देख के पेट्रोल नहीं आ रहा यार, आप जरा नासिर भाई को कहे ना जरा चेक भेजे पेट्रोल पंप के लिए। आपकी भी सुनेंगे, मैं अभी उनके मैसेज करता हूँ। तो अभी मैं आया उनके घर और चलते इधर मेरे घर वाले ही इधर आ जाके मेरे घर वाले ही आके बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। तेरे घर वाले नहीं, अजलान की नानो आके बैठी हुई हैं। ओहो शुक्र है ये बंदा सोया है, पहले उठता नहीं था, पहले ही उठता नहीं था और अब सोता नहीं है। हमें इसने जलील किया हुआ सब लोगों। उठाते हो तुम लोग इसे? तुम लोग इसे उठाते हो अपनी नानों के सिवा और दादों के सिवा? इसे कोई नहीं इतना प्यार करता। हाँ जी, नानी दादी के पास सारा दिन बिल्कुल। और हमारा वैसे जीना राम किया होता है इसने सबका। अभी अपनी मामा के पास और बाबा के पास। जी बाबा के पास बिल बाबा। और आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए एक तहमीना नाम था और पता नहीं क्या क्या नाम था, मुझे एक ही नाम याद। मुझे नाम जब लिख दिया करो मैं नाम भी लिया करूंगी। हां उनके लिए प्लीज कुछ। वैसे मैं सब के लिए नमाज में दुआ करती हूँ। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जिस जिसने मुझे दुआ का बोला हुआ है सब की मुश्किलें आसान फरमा, आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं, जो बहन भाई मुझे पसंद करते हैं, मेरी अपनी फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा मेरा व्लॉग देखती हैं और खुश होते हैं, तो सबका बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आ गया हूँ घर वापस, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा, इसीलिए व्लॉग्स भी थोड़े लेट हो रहे हैं। मेरा गला बिल्कुल बंद है इस टाइम, गला में दर्द है, फटा हुआ गला है मेरा आज, आवाज़ से भी पता चल ही रहा होगा। जिस दिन से हम उधर से होके आए ना तब से तबीयत ख़राब है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर ते सब्सक्राइब। ओके अल्लाह हाफिज़।